वेलकम बैक क्या आप एक्साइटेड हैं हमारे साथ रोबोट कार बनाने के लिए आई होप कि आपने पिछली वीडियो में मोटर्स और मोटर ड्राइवर्स के बारे में सीखा होगा अगर नहीं तो वो वीडियो साथ अटैच होगी आई वुड रिकमेंड कि आप वो वीडियो देखें और मोटर्स और मोटर ड्राइवर्स के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट लेके फिर हमें इस वीडियो में ज्वाइन करें इस वीडियो में हम जॉयस्टिक को यूज करके एक कार कंट्रोल करेंगे जॉयस्टिक के साथ आप सब फेमिलियर होंगे रिमोट कंट्रोल्ड कार और गेमिंग कंट्रोलर्स में आप ऑलरेडी ये यूज कर चुके होंगे बट नाउ हम इसे एज एन इनपुट डिवाइस यूज करके अपना रोबोट बनाएंगे जॉयस्टिक कंट्रोल्ड कार अपने इस प्रोजेक्ट में हम टू एक्सेस जॉयस्टिक यूज करके अपनी कार के डायरेक्शन ऑफ मोशन को कंट्रोल करेंगे टू से हम कार की डायरेक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड और लेफ्ट और राइट right मूव कर सकते हैं इस में एक और फंक्शन जो पुश बटन का है joystick को प्रेस करके हम वैल्यू वन या जीरो भी ले सकते हैं हमारे पास टू एक्सेस जॉयस्टिक में फाइव पेंस हैं। ग्राउंड फाइव वोल्ट वी सीसी वी आर एक्स वी आर वाई और स्विच VRX से हम जॉयस्टिक की हॉरिजॉन्टल यानी अलोंग एक्स एक्सेस मूवमेंट को ट्रैक कर सकते हैं VRY से हम जॉयस्टिक की वर्टिकल यानी अलोंग वाई एक्सेस मूवमेंट को ट्रैक कर सकते हैं और स्विच एज ए पुश बटन एक्ट करते हैं ये हमारी जॉयस्टिक का मेन मैकेनिज्म था इसी प्रिंसिपल को यूज करके हम अपनी कार की मोशन करेंगे यूजिंग द सॉफ्टवेयर फॉर नाउ लेट्स मूव ऑन टू मेकिंग आर कार सबसे पहले हम हार्डवेयर असेंबली करेंगे फिर हम सर्किट पैचिंग करेंगे और उसके बाद वील वर्क ऑन आर कोड। हार्डवेयर सेटअप के लिए हमें जो कॉम्पोनेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो हैं जॉयस्टिक मोटर ड्राइवर एल टू नाइन एन टू मोटर्स नाइन वोल्ट बैटरी जेसी व्हील्स और ऑड्रीनो सर्किट बोर्ड हार्डवेयर असेंबली के दो पार्ट्स हैं नंबर वन आपकी कार की फ्रेम की असेंबली और नंबर टू सर्किट पैचिंग कार की फ्रेम की असेंबली मोरलेस हर प्रोजेक्ट के लिए सेम होती है चाहे आप जॉयस्टिक कंट्रोल कार बना रहे हो या आप अगर आप टू व्हील चेसेस यूज कर रहे हैं तो आपकी कार की फ्रेम की असेंबली सेम होगी सबसे पहले हम फ्रेम की असेंबली करते हैं उसके लिए ये चेसेस है जिसको राइट right नाउ मैं अपने कास्टर व्हील के साथ अटैच कर चुकी हूँ व्हील्स मोटर्स मोटर ड्राइवर एल टू नाइन ए एन और डीनो स्विच और सेल होल्डर डिपेंडिंग कि आप सेल्स या बैटरी यूज़ कर रहे हैं अगर आप नाइन वोल्ट की बैटरी यूज कर रहे हैं तो आपको सेल होल्डर नहीं चाहिए इनकेस आप डबल ए सेल यूज़ कर रहे हैं तो आपको डबल ए कंपेटबल सेल होल्डर चाहिए होंगे कार की असेंबली के लिए राइट right नाव मैं डबल टेप यूज़ करूँगी बट आप डबल टेप ग्लूगन स्क्रूज़ कुछ भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप न्यू किट बाई करते हैं तो आपके पास उसमें स्क्रूज़ और सेवरल पीसेस अवेलेबल होंगे जिनके साथ आप इजीली अपना किट असेंबल कर सकते हैं जब आप अपनी मोटर अटैच करें मेक श्योर की डिस्क इनकोडर का किसी भी चीज के साथ चेसिस में हर्डल ना हो रहा हो यू कैन कंफर्म इट बाई रोटेटिंग ये स्पेशल के के मोशन लिए बनाए जाते हैं ताकि इसको कोई हर्डल ना है। मैंने एल टू नाइन एट एन अपनी कार के डाउनवर्ड साइड पर अटैच किए फ्रेम के बॉटम साइड पे क्योंकि यहाँ पे मोटर्स की पिन में अटैच कर सकती हूँ बट आप इसे कहीं भी अपने कार के किसी भी पार्ट पे असेंबल कर सकते हैं अगर मैं अपनी चेसेस को इस वक्त ग्राउंड पे रखूँ तो ये लेवल है इन केस मेरे कास्टर की हाइट ज़्यादा होगी कास्टर व्हील के तो ये ऐसे रहेगी और इन केस अगर मेरे कास्टर व्हील की हाइट कम होती है तो ये आगे से डाउनवर्ड्स होगी तो मेक श्योर sure आप अपना कास्टर इस तरह टैच करें कि आपकी कार एक बैलेंस हाइट पे हो फ्रंट और पर दोनों तरफ से यह हमारी मेन हार्डवेयर असेंबली है इसमें हमने ऑडियनो ओनो अटैच कर दिए हैं बैटरी अटैच कर दी है व्हील्स मोटर्स और एल टू नाइन एटेन अटैच कर हैं। है दिस वॉज ऑल अबाउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ हार्डवेयर असेंबली ऑफ आर कार नेक्स्ट सर्किट पैचिंग है हार्डवेयर असेंबली के बाद अब हम सर्किट असेंबली करेंगे सर्किट असेंबली हम जैसे कि आप इस वक्त डायग्राम स्क्रीन पर देख सकते हैं ऐसे करेंगे हमारी दो मोटर्स यूज होंगी, जो हमारे L298N के दोनों साइड्स के साथ कनेक्ट होंगे मोटर ए और मोटर बी बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल एल टू नाइन एट एन के 12 बी सी VCC वाले टर्मिनल में हम इंसर्ट करेंगे बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल और Arduino का ग्राउंड को हम एल टू नाइन एट एन के ग्राउंड में कनेक्ट करेंगे और Arduino की वी इन पिन को हम एल टू नाइन एट एन के फाइव वोल्ट पिन के साथ कनेक्ट करेंगे इस कनेक्शन के थ्रू हम एल टू नाइन एट एन से ऑड्रीनो को पावर दे सकते हैं इस तरह हम अपने रोबोट को इंडिपेंडेंटली रन कर सकते हैं विदाउट इट्स कनेक्शन बींग केबल बिटवीन ऑड्रीनो एंड लैपटॉप नेक्स्ट हमारे डिजिटल इनपुट आउटपुट पेन के साथ एल टू नाइन एट एन की इनपुट वन से लेकर इनपुट फोर पेन तक कनेक्शन होंगे जॉय स्टिक के फाइव वोल्ट पिन को हम ऑड्रीनो की फाइव वोल्ट पिन के साथ कनेक्ट करेंगे ग्राउंड को ऑड्रीनो के ग्राउंड के साथ और वी आर एक्स और वी आर वाई को एनालॉग इनपुट्स के साथ कनेक्ट करेंगे राइट नाउ एनालॉग इनपुट जीरो और एनालॉग इनपुट वन यूज करेंगे सर्किट हार्डवेयर सेटअप और सर्किट असेंबली के बाद अब सॉफ्टवेयर का पार्ट आता है इस प्रोजेक्ट में यूज होने वाला कोड डिस्क्रिप्शन में मौजूद है डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कोड कॉपी पेस्ट करें अपनी ऑडिनो आई में सबसे पहले हमने वेरिएबल्स वेरिएबल्सिक्लियर किए हैं जिनमें हम अपनी जॉयस्टिक से आने वाले इनपुट को स्टोर करेंगे फिर हमने मोटर पेन्स डिक्लियर किए हैं जॉयस्टिक की पेन्स को इनपुट मोड में डिक्लियर किया है और मोटर्स के पेन्स को आउटपुट मोड में डिक्लेयर किया है लूप में हम एनालॉग रीड करेंगे ए जीरो और ए वन की वैल्यूज को ये वो पिंस हैं जहां पे हमने वी आर एक्स और वी आर वाई को ऑर्डिनो के साथ कनेक्ट किए डिबगिंग डिबर्गिंग पर्पज के लिए हम ये वैल्यू सीरियल मॉनिटर पर भी प्रिंट करेंगे हमारी एनालॉग इनपुट की वैल्यू जीरो से लेके थाउजेंड ट्वेंटी थ्री तक रेंज करती है इसमें हमारी मेन पोजीशन फाइव इलेवन कॉमा फाइव इलेवन होती है. अगर हम वर्टिकली अब मूव करें तो हमारे कोऑर्डिनेट्स फाइव इलेवन कॉमा जीरो की तरफ मूव करते हैं अगर हम वर्टिकली डाउन मूव करें तो हमारे कॉर्डिनेट्स फाइव इलेवन मूव करते हैं हॉर्जॉन्टली लेफ्ट मूवमेंट पे जीरो मूवमेंट पे थाउजेंड ट्वेंटी थ्री कॉमा फाइव इलेवन की तरफ कोऑर्डिनेट्स मूव करते हैं मेन पोजिशन चेंज इन डिसमेंट एंड कोऑर्डिनेट्स और जॉयस्टिक के परसेंटेज एरर को हमने माइंड में रख के ये कोड डिवाइस किया है। इस कोड में हमने फर्स्ट कंडीशन कार की स्टॉप की रखी है जिसमें अगर वो राउंड अबाउट मेन पोजीशन पे हो जॉयस्टिक के कोऑर्डिनेट्स तो हमारी गाड़ी स्टॉप रहेगी नेक्स्ट कंडीशन फॉरवर्ड किए फिर बैकवर्ड राइट right, और लेफ्ट एक और पॉइंट जिसको हम डिस्कस कर सकते हैं वो है कि आपकी मोटर के हाई और लो वोल्टेज पे वो एग्जैक्टली राइट लेफ्ट फॉरवर्ड बैकवर्ड परफॉर्म करें वो डिफरेंट हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन आप अपने मोटर्स के किन टर्मिनल्स को किस तरह एल टू नाइन एट टेन के साथ कनेक्ट कर रहे हैं और फिर एल टू नाइन एट एन को किस तरह ऑड्रीनो के पेंस के साथ कनेक्ट कर रहे हैं ये चीज आप ट्रायल एंड एरर से सॉल्व कर सकते हैं आप मोटर की एक कंफिगुरेशन रखें फॉर एग्जाम्पल हाई लो लो हाई और चेक करें उस पर उसका बिहेवियर क्या है क्या वो अहेड मूव करती है या बैकवर्ड मूव करती है राइट right मूव करती है लेफ्ट मूव करती है इसी तरह फिर एक और कन्फिग्रेशन रखें और उस पर चेक करें कि उसका बिहेवियर क्या है इस तरह फोर्थ कन्फिग्रेशन यूज करके सेपरेटली चेक कर सकते हैं कि आपकी मोटर्स किन कन्फिग्रेशन में फॉरवर्ड मूव कर रही हैं किन कन्फिग्रेशन में बैकवर्ड मूव कर रही हैं और किन कन्फिग्रेशन में राइट या लेफ्ट मूव कर रही हैं आफ्टर डिस्कसिंग अबाउट सॉफ्टवेयर अब आप कोड अपलोड करें एंड वील मूव ऑन टू डेमो मूविंग ऑन टू डेमो नाउ अब हम देखेंगे कि जिस तरह हमने अर्लियर डिस्कस किया है उसी तरह जब हम जिस डायरेक्शन में मूव करते हैं उसी डायरेक्शन में हमारी कार भी मूव होती है वी होप कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा आपने कार की असेंबली सीखी होगी आपको सर्किट पैचिंग समझ आई होगी और आपको सॉफ्टवेयर की भी समझ आई होगी अगर आपके कोई भी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट्स में या हमें सोशल मीडिया वेबसाइट्स पे अप्रोच कर सकते हैं या अगर आप इस प्रोजेक्ट से इंस्पायर होकर ये प्रोजेक्ट बनाते हैं तो डू शेयर योर व्यूज और अपने प्रोजेक्ट की वीडियोज और पिक्चर्स भी हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा सी यू इन नेक्स्ट वीडियो फॉर मेकिंग कूल कार्स एंड मच मोर टीम डीपलीफ साइनिंग आउट